दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार के मधेपुरा के खुर्दा गांव में पिछले 17 वर्षों से खुर्दा मेला के नाम से एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेला का आयोजन मधेपुरा के पूर्व सांसद जाप सुब्रमो पप्पू यादव के द्वारा भाईचारा और सौहार्द स्थापित कर एकता का संदेश देने के लिए किया जाता है। इस मेले में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार और गीतकार शामिल होते हैं। इस बार भी बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों का यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। मेला में कोसी समेत राज्य के सभी जिलों से दर्शक यहां आते हैं। वहीं मेला में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आसाम, बंगाल के पहलवान कुश्ती और घोड़सवारी आदि की रेस में भाग लेने शामिल होते हैं। सांसद द्वारा सामाजिक सौहार्द और एकता के लिए लगाए जाने वाला यह मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस बार काफ़ी बड़े स्तर पर भव्य तरीके से खुर्दा मेला का उद्घाटन जाप सिंह पप्पू यादव ने शुक्रवार को किया। पहले दिन से ही मेला में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। बड़े बड़े आकर्षक झूले, शोभा थिएटर सहित खेल कूद, कुश्ती, घोड़सवारी आदि जैसे अन्य मनोरंजन के साधन से लैस इस मेले का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शाम से लेकर सुबह तक मधेपुरा सहित अन्य जिलों के हजारों लोगों की भीड़ मेला का आनंद उठाने खुर्दा पहुँचते हैं, जो किसी बड़े महोत्सव से कम नज़र नहीं आता है। जिसको देखते हुए जाप सुब्रमो पप्पू यादव ने अगले साल से इस मेला को महोत्सव का रूप देकर खुर्दा मेला की जगह इसे खुर्दा महोत्सव की शक्ल में आयोजन करने की घोषणा की है। पप्पू यादव की इस घोषणा से लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। खुर्दा से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे हमको व्यक्तिगत ठेस पहुंचाई ये दिक्कत नहीं है, मेरी विचारधारा गरीब और आम आदमी है, उसको ठेस पहुंचाइएगा तो हम मिटा दें। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। यह मैं आग्रह करूंगा, कबड्डी का खेल रात में शुरू अभी चलेगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेला कमेटी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व मुखिया जी प्रमोद जी सब लोग यहां पर मौजूद हैं, और हमारे सभी जिनकी हिम्मत से मैं दुनिया से टकराने की हिम्मत रखता हूं। मेला जो खुर्दा मेला है, जिसके उद्घाटन हर साल 16-17 सालों से लगातार हम रहे या ना रहे, मारखंड, मुरलीगंज, जानकी नगर, इस इलाके के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि, जो सभी लोग, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, पूर्व प्रमुख हो, वर्तमान हो, मुखिया संघ के अध्यक्ष हो, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, साथ युवा, सभी लोग बड़े उत्सव के रूप में मेला खुर्दा का की शुरुआत होती है, जिसमें देश दुनिया के कबड्डी, कुश्ती, हर साल एक नया बम्बई हॉलीवुड के संगीतकार, गीतकार, डांस, उसके बाद एक दिन भोजपुरी का जो उत्सव है, कार्यक्रम है, फिर थिएटर से लेकर के पूरे बिहार की जो बेहतरीन दुकानें हैं, सब खुर्दा मेला में अपनी उपस्थिति चाहते हैं। हर तरह का मनोरंजन यहाँ, महिलाओं के लिए बेटियों की आम विशेष सुरक्षा, यहाँ हम भरोसा नहीं करते सिस्टम पर। पूरा गांव, पूरा कुमारखंड के हर बुजुर्ग इस मेला के संरक्षक हैं, और आज जिस तरीके से कबड्डी संघ के मधेपुरा के हमारे जो सचिव ने जो बात कही, हम महोत्सव के रूप में मनाने, अगले साल से जिस तरीके से सफाई महोत्सव या कई अन्य महोत्सव खुर्दा महोत्सव के रूप में अगले साल से इस मेला को मनाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए क्या शुभकामनाएं? खुर्दा महोत्सव का मतलब हुआ कि हम कई सभी तरह के, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, अगली बार वॉलीबॉल को भी हम बढ़ाएंगे, हम घोड़सवार हो, सभी तरह के गेम्स को हम यहाँ बढ़ावा देंगे। यहाँ जितनी दुकानें आती है सब कुछ फ्री है, सब यहाँ साल भर अपनी अच्छे ढंग की जिंदगी जी के जाते हैं। यहाँ किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति का कोई दखल नहीं, सब यहाँ आजाद है। खास तौर पर आम आदमी का ये मेला है,
और जो लोग आंतरिक रूप से यहाँ आनंद लेना चाहते हैं ये खुर्दा उत्सव उसके लिए। बिहार के जो हिस्सों से लोग आते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश से, विभिन्न विभिन्न हिस्से से देश भर के लोग यहाँ आते, तो इसीलिए मुझको लगता है कि आने वाले समय में सिंहेश्वर और सोनपुर से बड़ी मेला न हो। ये इस समाज का आशीर्वाद है, समाज की उत्कृष्ट जो ऊर्जा है, जिससे 16 सालों से यह मेला कंप्लीट रूप से आगे बढ़ते जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके की टीम आज 180 कबड्डी की टीम, फिर 22-23 कुश्ती, फिर 24 तारीख को बॉलीवुड की हिंदी में संगीत कलाकार, 26 को भोजपुरी स्टार, लगातार कार्यक्रम और 31 तक ये मेला रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुमारखंड, मुरलीगंज, मधेपुरा, जानकी नगर, इस इलाके के लगभग लोग 24 के बाद इस मेला का आनंद ले पाएंगे। यह मेला सबका मेला है, परिवार का है और हर घर का है। इस मेला की खूबसूरती है कि स्वागत के लिए हर परिवार के लिए खड़ा है। शुक्रिया।